फिरोज का केस डील करने के लिए जो एक स्पेशल ऑफिसर आने वाले थे वो आ चुके हैं। सर, पाकिस्तानी डॉन की नजर हमारी इंडिया पर है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस फाइल के अंदर है। सीरियस मैटर है, केयरफुली डील कीजिएगा। नया एसपी आया, तुमसे कुछ बात करनी है उसे। यादव, बहुत खूब सूर्या, पब्लिक के बीच तुम्हारी बहुत पावर चलती है, जहां जाओ तुम्हारे ही नाम। कल मैं कुछ वीआईपी से मिला था। आप इंडिया के जाने माने उद्योगपति हैं, लेकिन मैं एसपी होने के नाते आपसे मिलने नहीं आया हूं। इंटरनेशनल डॉन फिरोज का कहना कि आप उनसे दोस्ती का हाथ मिला लें, क्या कहते हैं? सॉरी, मैं किसी भी हालत में सूर्या के खिलाफ नहीं जा सकता। आपको यहां आने से पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए थी। एसपी साहब, मुझे एमएलए बनाने वाला सूर्या भाई, अगर मैं उनके खिलाफ जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। उधर सूर्या भी आपको नहीं छोड़ेगा, आपकी जान ले लेगा, या फिर मेरे पार्टी के कार्यकर्ता आपको जान से मार देंगे। बेटी, एसपी साहब सूर्या का एनकाउंटर करना चाहते, कॉफी पिलाओगी इनको? सूर्या, तुम डॉन होकर भी सबके दिलों पर राज करते हो। इनफैक्ट हम पुलिस वालों से ज्यादा तुम्हारा ही पावर चलता है यहां पर। तुम्हें और मुकाम हासिल करना चाहिए सूर्या। लोकल डॉन होने से क्या होगा, बनना है तो इंटरनेशनल डॉन बनो। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ऑफर है इंटरनेशनल डॉन फिरोज का। फिरोज की इंडिया पर नजर है और उसी ने मुझे यहां भेजा है। मैं फिरोज भाई का आदमी हूं, मेरे डिपार्टमेंट को नहीं मालूम। तुम कहोगे कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मैं एक एसपी हूं और तुम एक गुंडे। यादव, सूर्या, तुम फिरोज भाई से हाथ मिला लो, फिर देखो तुम कहां से कहां पहुंचते हो। उसके बाद जो चाहे करते रहना, जैसे किडनैप, कब्जा करना, मर्डर करना और भी दूसरे क्राइम्स, मैं सब संभाल लूंगा। जिंदगी में खूब रुपए कमाओ और मिल बांट के खाओ, लाइफ को एंजॉय करो और ऐश करो। तू पुलिस है या ब्रोकर? उंगली नीचे कर, वरना हाथ काट के फेंक दूंगा, किसी लायक नहीं रहेगा। खैरियत चाहता है तो जल्द से जल्द निकल ले यहां से। नहीं गया तो बेमौत मारा जाएगा। सूर्या, जा यहां से। हेलो, चल निकल। तेरे को जाने के लिए कहा ना। सूर्या, उद्योगपति आशु ने फिरोज से हाथ मिला लिया है। आशु को फोन लगा। हेलो आशु, जो मैंने सुना है वो सच है क्या? तुमने सच सुना है सूर्या। देखा जाए तो मैं पिछले 7 सालों से मेडिकल कंपनी चला रहा हूं, कभी 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं हुआ, और फिर इसीलिए मैंने फिरोज से हाथ मिलाया। हाथ मिलाते ही 10 करोड़ हाथ में आ गए। क्या बिजनेस है? मेरी कंपनी में जो दवाइयां तैयार होती है, हम लोग उसकी डुप्लीकेट दवाइयां बनाएंगे और फिर दोनों को मिक्स करके बेच देंगे। ये गलत बात है आशु। मुझे मालूम है ये गलत है सूर्या। मासूम लोग मारे जाएंगे, तभी तो आबादी कम हो जाएगी सूर्या। आशु, तुम उससे हाथ मत मिलाओ।
सूर्या, फिरोज की एंट्री से तुम्हें डर लग रहा है क्या? अरे तुम डरो मत, मैं उससे बात करूंगा। वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? मालूम है, डूबते हुए सूर्या से। माधुर जी, जाधव, आशु कल सुबह का सूरज न देखने पाए। एसपी भूषण बोल रहा हूँ। क्या है? इंडिया में जो सोच रहे हैं नहीं हो सकेगा। वो क्यों? यहाँ पर सूर्य नाम का एक डॉन है, हिंदुस्तान में उसकी बहुत चलती है सर। आज ही एक ने हमसे हाथ मिलाया था तो सूर्य ने उसे मार डाला। फिरोज का नाम बताया? बताया था सर, उसने मुझे एक हफ्ते के अंदर नौकरी छोड़ने के लिए कहा है। अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जान से मार डालेगा सर। वन मिनट सर, इंडिया से एसपी भूषण का फोन आया है, वहां पर कोई सूर्य बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एसपी, मैंने तुम्हें इतने पैसे किस लिए दिए हैं? हमेशा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स फोन पर बताने के लिए? देखो हर जगह पर कोई ना कोई सरफिरा होता है, उसे कैसे रास्ते पर लाना है वो तुम्हारा काम है, और अगर नहीं माना तो खल्लास। वो बहुत पावरफुल है सर। एएसपी, हजामत बनाने के लिए लाखों नहीं दिए हैं, जिम्मेदारी ली तो पूरा करो नहीं तो मारे जाओगे। आपसे हाथ मिलाया तो पीछे नहीं हटूंगा सर। सूर्य टेढ़ी खीर जरूर है लेकिन लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सर, और मैं हार भी नहीं मानने वाला सर, यकीन करें सर। क्या कहते हो? देखिए सर, सूर्य से टक्कर लेना आसान नहीं लगता। सही वक्त आने का वेट करो, तुम देखते जाओ, भूषण ही सूर्य पर वार करेगा, तब हमें पता चलेगा कि सूर्य में कितना दम है, हमसे ज्यादा या कम। क्या है? आइए। पापा। आज तक अपन ने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक ही ख्वाहिश है, आप शादी कर लो। पुराना गन है। पर बुलेट्स तो नहीं है ना भाई, आप शादी कर लो वरना अपन यही मर जाएगा। ए, पॉइंट ब्लैंक पर गन रखकर खुद को बहुत बड़ा डॉन समझते हो क्या? ये आपस में क्या कर रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। भाई जाओ बात तो करो। बोलो ना, ये जादव तुमसे कुछ कह रहा था ना, आखिर बात क्या है? वाद ऑन, एनी सीक्रेट? हे, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, डरो मत तुम। जी, भाई होकर डर रहे हो आप? पापा। क्या हुआ बेटी? कोई आया हुआ है क्या? यहाँ तो कोई नहीं आया।
सपना देख रही थी, शायद डर गई। सेम ड्रेस, कलर भी वही जो मैंने सपने में देखा था। ए, देखो कह देती हूँ, मेरे करीब मत आना, मुझे किस मत कर, मैं कह देती हूँ। पापा पापा मुझे बचा लो, पापा पापा ये किस करने के लिए आया, पापा प्लीज क्यों चिल्ला रही है, हेल्प मी, पापा भगाइए उनको, जाने के लिए बोली ना पापा प्लीज। पापा उन्हें बोलिए ना जाने के लिए, देखो जाओ यहाँ से, जाओ मैं कहती हूँ जाओ। माथुर अंकल जरा साइड में हो जाओ। पापा पापा आप पापा ही हैं, दुश्मन है मेरे। देखो मैं कह देती हूँ मेरे करीब मत आना, मुझे किस्मत करना, हाँ कह देती हूँ प्लीज। तुम सब लोगों के लिए जॉन हो सकते हो, लेकिन इस घर में मैं लेडी जॉन हूँ। भाई ये लड़की कह रही है किस्मत करो किस्मत करो, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्योंकि, और फिर कह रही है यहाँ से चले जाओ। पूछो तो आखिर बात क्या है, मेरे पास मत आना, मैं कहती हूँ करीब मत आना, नहीं देखो अच्छा नहीं होगा। हैप्पी बर्थडे। मुझे कैसे पता चला पूछो, तुम्हारे पापा ने बताया। जाधव बर्थडे गिफ्ट। बाय। देखो मिस किस किस, आज तक भाई ने किसी को गिफ्ट नहीं दिया, तुम पहली लड़की हो, अब उनके भाई को थोड़ा समझो। हाँ एक बात पूछूं, कब से तुम बार बार किस किस कहे जा रही हो, अपुन के भाई ने सपने में आके तुम्हें किस किया था, तुमको कैसे पता चला, तो कहो ना